नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साल 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए बीजेपी ने तो तैयारी कर ली है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल को ममता दीदी के हाथों में अकेला नहीं छोड़ना है, चुनाव से पहले भी नहीं और चुनाव के बाद भी नहीं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सौरभ गांगुली को बंगाल चुनाव के मुख्य चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि सौरभ गांगुली खुद इस बात से साफ इनकार कर चुके हैं। इसी महीने की शुरुआत में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया था कि दादा ने बीजेपी नेतृत्व को बता दिया था कि वो ना तो राजनीति में उतरना चाहते हैं और ना ही विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी बंगाल की राजनीति में दादा के बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े जाने की हवा जरूर है, जिस पर अब टीएमसी सांसद ने हमला बोला है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इन कयासों पर टिप्पणी की है और टिप्पणी के जरिए देखी कैसे सौरभ गांगुली को राजनीति में आने के लिए असक्षम बता रहे हैं। सौगत रॉय ने कहा है, अगर सौरभ ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें काफी दुख होगा। सौगत रॉय ने कहा, सौरभ गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन है, अगर वो राजनीति में आते हैं तो मैं खुश नहीं होऊंगा। वो बंगाल के इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे, टीवी शो के कारण भी फेमस हैं। उनका राजनीति में बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में वो यहाँ टिक नहीं पाएंगे। आगे टीएमसी सांसद ने कहा, सौरभ गांगुली को देश और गरीबों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है, ना ही उन्हें गरीबी और मजदूरों की दिक्कत की जानकारी है। इसके बाद बीजेपी पर सौगत रॉय हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी हमेशा की तरह बंगाल के चुनाव में भी बिना किसी चेहरे के उतर रही है। बीजेपी ने अब तक किसी भी चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन लंबे वक्त से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सौरभ गांगुली मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के आधार पर तो ये भी कहा गया है कि सौरभ गांगुली खुद इस तरह की किसी भी प्लानिंग से इनकार कर चुके हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में थे, तब उनसे भी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के चेहरे को लेकर सवाल किया गया था, लेकिन उस वक्त अमित शाह ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अभी भी बीजेपी इस मुद्दे पर चुप ही है, लेकिन फिर भी टीएमसी को डर सता रहा है कि कहीं सौरभ गांगुली के चेहरे के साथ बीजेपी जीत ना जाए। जबकि सौरभ गांगुली के चेहरे को लेकर बीजेपी ने तो अभी तक कोई ऐलान किया ही नहीं है, लेकिन टीएमसी पहले से ही सौरभ गांगुली को राजनीति के लिए अपरिपक्व बताने पर जुट गई है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या बीजेपी को सौरभ गांगुली को बंगाल का सीएम बनाने के लिए अप्रोच करना चाहिए या फिर क्या बीजेपी पहले ही इस मामले को लेकर सौरभ गांगुली से बात कर चुकी है, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।